ਸਾਡੀ ਵਰਗੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦਾ ਕੇਕ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਕੱਟਦੀ ਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੀਤਾ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਾ ਆਪਣੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਵੇਖ ਲਓ। रज रज के खाओ रोटी भावे होटल होवे या ढाबा। मैं क्या हसन ली हो जो तैयार क्योंकि आ गया तुहाडा जानू बाबा। शादी एक सुन्नत है और अज असीं लोकां कोलों पुछांगे कि मापे फैसला करनगे कि कुड़ियां मुंडे फैसला करनगे। मेरा मतलब है लव मैरिज करनी चाहिदी है कि अरेंज मैरिज करनी चाहिदी है। ये तो कुड़ियां मुंडे तो उन्होंने माँ प्यो ही दस सकते ने कि शादी अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज। तो फिर आओ जानू बाबा दे नाल जे दसो कि शादी है ये माँ बाप की मर्जी नाल होनी चाहिए कि बाल बच्चे की मर्जी नाल। माँ बाप की माँ बाप की हाँ तो बाद बाल बाद च ही हो गए ना कि सोफे च हो जाना बाल पहले। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੈਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਾ ਬੰਨ ਲੋਗੇ ਵੈਸੇ ਬੰਨ ਲਵਾਂਗਾ ਕੇਲ ਠੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀਵੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਪਾ ਕੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। शादी माँ बाप की मर्जी से होनी चाहिए कि बाल बच्चों की मर्जी होनी चाहिए? नहीं नहीं पेरेंट्स की मर्जी से होनी चाहिए। सच बोलो क्योंकि माँ बाप के किए हुए फैसले बहुत खास होते हैं। स्पेशली जो आज की जनरेशन है मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स की मर्जी से करो ताकि अपनी आपकी लाइफ अच्छी गुजरे। बस लायक है क्या दसो शादी जड़ी है माँ बाप की मर्जी नाल होनी चाहिए कि बाल बच्चे की मर्जी नाल होनी चाहिए? माँ बाप की मर्जी के नाल। सुभान अल्लाह ते अपनी मर्जी नहीं शामिल करनी चाहिए? अपनी दूसरी च गड़ांगे ना। दूसरी च एक घर वाली ते एक बाहर वाली। जी बिल्कुल वड्डे निजाम चलाना चाहते जे पहले ते छोटा चलावांगे ना बाद मोटा। एहो जिहा दोस्त हुंदा है जिहदी जेब दे विचों फक्की ते चूरन या फिर चूहे मार गोलियां जरूर हुंदियां ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जज़ाक अल्लाह क्या कहने इंज लगता जिवें तुसीं सौ दूर दे जहाज थले उतरे जे। सुभान अल्लाह। अच्छा दसो कि जिहड़ी शादी है ये माँ बाप पेरेंट्स की मर्जी नाल होनी चाहिए है कि बाल बच्चों की मर्जी नाल होनी चाहिए? पेरेंट्स की मर्जी के साथ होनी चाहिए क्योंकि हमारी थॉट्स डिफरेंट होती है। वो एक ज़रा एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको ज़्यादा आइडिया होता है हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। यार ये कितनी ऑसम है। आजकल के लोग कहते हैं हम घुट ढूंढे पेरेंट्स को क्या पता होता है। किस्मत की बात होती है कोई खुद ढूंढ लेते हैं कोई पेरेंट्स ढूंढ लेते हैं ऐसे ही बात। तो क्या ना मतलब है किसी बच्चे की चुड़ैल निकल आती है किसी की किस्मत बड़ी जो परी निकल आती है। ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही अपनी 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 किस्मत की है। किस्मत से आगे कौन लड़ सकता है। किसी को शहजादा मिल जाता है तो किसी को नवाज शरीफ मिल जाता है। तुसी जिहड़ी शादी है वो अपने पेरेंट्स की मर्जी नाल करोगे या अपनी कोई मन मर्जी का चन्न चढ़ोगे? मैं पेरेंट्स की मर्जी का वो भी देख लूँ वो क्या चन्न चढ़ाते हैं। ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਦੋ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਜੋ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ? ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਕੋ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀ ਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਉਨਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਤੋ ਆਪਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਹੋਈ ਥੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੀ? अम्मी बाबा की मर्जी से ही हुई थी। अभी आप इतनी स्माइल दे रही हैं खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ अपने घर में। अम्मी बाबा का फैसला गलत नहीं था। लो नादरीन एहो जी खतून होंदी है जड़ी कस्टर्ड बड़ा कमाल दा बनांदी है तो लोग उंगलां चटदे रह जांदे ने। आओ अगे चलिए यह दसो कि जी शादी है लव मैरिज होनी चाहिए कि मापे की मर्जी की होनी चाहिए? मापे की मर्जी ना होनी चाहिए बाद चो जलील होना चाहिए। वाह वाह तुहाडा मतलब है कि मापे की गल सिर मत्थे ते। बिल्कुल इस तरह ही जिहड़े कुड़ियां मुंडे मन मर्जी करदे ने ते बाद चो पछताउंदे वी ते उही ने। तुहाडा मतलब रो रहे हुंदे ने। हाँ जी तुसीं अपने वाली वेख लो। तुहाडी शादी हो गई? मेरे बाप माशाल्लाह तीन बच्चे ने। तुहाडे अल वेख के मैनूं अंदाज़ा हो रहा सी कि तुहाडी शादी हो गई है। हाँ जी शादी जिहड़ी है ये माँ बाप की मर्जी नाल होनी चाहीदी है कि बाल बच्चों की अपनी मर्जी नाल होनी चाहीदी? माँ बाप की मर्जी से। जिहड़े कुड़ियां मुंडे आपस च कॉलेजां च स्कूलां च अकैडमियां च वो गलत है नहीं अगर सिंसेयर हो तो फिर माँ बाप की मर्जी के साथ जरूर करनी चाहिए।
शादियाँ होती है वो बाल बच्चों की मर्जी से होनी चाहिए कि बुजुर्गों की मर्जी से होनी चाहिए। अब तो मॉडर्न जमाना है, अभी तो जाहिर है अभी जो बच्चों की ख्वाहिश है वही होना चाहिए ज्यादातर, मैं तो यही कहूँगी। आप इतनी अजीम हस्ती हैं, आप कहती हैं जेड़े बच्चे बुजुर्गों की तो अभी सुननी भी चाहिए, बीच में ये नहीं है कि मैं कह रही बुजुर्गों को बिल्कुल ही नहीं नजरअंदाज करना चाहिए, बीच में बच्चों की मर्जी शामिल होना चाहिए। यकीन करो इंज लगता जब तुसी कोड़े किराए दे देंदे मेरे हाल मेरे किराए चौधरी बंदे लग रहे मेरे दिल में तुसी खोते किराए दे दियो। अच्छा ये दसो सरकार की शादी जड़ी है वो मर्जी दी होनी चाहिए कि माँ बाप की मर्जी दी होनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से माँ बाप की मर्जी होनी चाहिए सर, क्योंकि बेसिकली जी गलबात है माँ बाप पालता बच्चों सर, तो मेरे हाल में माँ बाप जो कहता सर जी उन्होंने वास्ते होना चाहिए। यहोजा सज्जन होंगे जिसे डोले बड़े मजबूत होने तो महल से जिते भी जगह खाली हो कब्जा कर लेता है। आओ अगे चलिए। शादी जो है वो अपनी मर्जी से होनी चाहिए कि माँ बाप की मर्जी से होनी चाहिए? एक्चुअली शादी तो माँ बाप की मर्जी से होनी चाहिए, लेकिन देन ये कि अगर आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी मर्जी पे तो देन वेरी गुड फॉर अस। आप जैसी लड़की होती है जो सुबह के अखबार में सबसे पहले आर्टिकल पढ़ लेती है। शादी जो है वो वालदैन की मर्जी से होनी चाहिए या अपनी मर्जी से होनी चाहिए? अपनी मर्जी से भी हो लेकिन वालदैन भी एग्री होने चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। अपनी मर्जी से भी होनी चाहिए, वालदैन की भी मर्जी से होनी चाहिए। यानी तोड़ा मतलब 50-50 प्रोग्राम? हां जी, उनको भी एग्री होना चाहिए। तोड़ा मतलब है कि अम्मी दे प्यार घुट के गोटे किटे घुट के मोढ़े घुट के अपनी गल मनवा? ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन हो गई हमारी भी अपनी मर्जी से हुई है, लेकिन वो भी एग्री थे बीच में। मुझे लगता तोड़ा चॉइस नाल खलोता होया ते ज्यादा प्यार तुसी करदे जी क्या करदे ने? मैं कितने नसीबों वाले हैं जो आपको इतनी प्यारी बीवी मिली है। नहीं नहीं शुक्र है अल्लाह का। अच्छा ये बताएं कि शादी जो है वो लव मैरिज होनी चाहिए क्या अरेंज मैरिज? हमें क्या पता, हम तो छोटे हैं। ओ नादरीन इन्ना मासूम बच्चियां ने, छोटिया छोटिया बच्चियां ने जिड़िया कैद पाट दिंदियां ने, उन्होंने कहा कि जनाब सानू की पता होवे असि शादी के बारे च की दसीए, ढोलकी ढोलकी शादी तो बजांदी है जे कि नहीं? जिहड़ी शादी है ਉਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮਾਪੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਕੇਸਿਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿਖਾ ਸਕਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲਵ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਤਨਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀ ਸਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕਬਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੀ ਮਾਨਨੀ ਚਾਹੀਏ? बच्चों को अपनी मर्जी ज़रूर करनी चाहिए लेकिन बुज़ुर्गों को बीच में शामिल करके। जेड़े धियाँ पुत्र नहीं मनते वो अपनी मन मर्जी करते हैं, फिर जेड़े नहीं मनते फिर नुकसान भी तो चुकते ना, 2 महीने बाद घर भी तो आई होंदियां ने ना। तुहाडी वर्गी भैन होंदी है जेड़ी शादी दी एनिवर्सरी दा केक कुहाड़ी नाल कटदी है ते माशाल्लाह तुहाडा मुँह वेख के मैनूं इंज क्यों लगण डिया है जिवें मीता बच्चन नूं लकवा होया हुंदा? देखा अपने लापरवाही का नतीजा है। तुसीं की कहंदे जे? मैं कहती हूं दोनों की पसंद की होनी चाहिए। दोनों की पसंद ही? हाँ। यानी एक शादी बच्चा अपनी मर्जी दी कर ले, एक अम्मी अब्बे दी कर ले? नहीं, मैं बताती हूँ। हाँ जी दसो। असली मेरा निकाह हुआ है, ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स ने रिश्ता देखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि ना आप देख लो लड़के से मिल लो, अगर आपको पसंद है तो हम कर देते हैं। फिर मैं उनसे मिली और फिर मैंने कहा कि हाँ ठीक है, तो इसका मेरी भी पसंद आ गई उनकी भी पसंद आ गई। अच्छा ये बताइए कि दोनों मिलजुल के कि जो शादी है वो बाल बच्चों की मर्जी से होनी चाहिए या पेरेंट्स की मर्जी से होनी चाहिए? पेरेंट्स की मर्जी से। पेरेंट्स की मर्जी से? पेरेंट्स को तजर्बा होता है हर चीज़ का, यानी दो खानदान का मिलाप होता है, खाली मियाँ बीवी का नहीं होता, दो खानदान मिलते हैं शादी के साथ। एक मियाँ बीवी घर च बैठे सन
ਤੇ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਛੋਲੀਏ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਦੱਸੋ 4 ਕਿਲੋ ਲਵਾਂ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਤੇ ਖਾਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਡਈ ਹੈ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਛੋਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਮਸਖਰੀਆਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ।